नाज़रीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, ये जो टेबल है मेरे पास, इसको हम करने लगे हैं आज अपसाइकिल। ये टेबल मेरे पास 5 साल पुराना है, ये मैंने 1000 रुपये में लिया था। तो अब इसको मैंने सोचा कि क्यों ना मॉडर्न डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि एक टेबल मैंने लिया है वो मुझे 10,000 रुपये का पड़ा। तो मैंने कहा ये मिलता जुलता डिज़ाइन है, तो इसको भी हम उसी तरह से ही कर लेते हैं थोड़ा सा रेडी। तो इसको अपसाइकलिंग करने के लिए मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। साइड पे मैंने डबल टेप लगाई थी ताकि दीवार से जब टकराए तो दीवार का रंग ना उतरे, वो मैंने छुरी से खुरच के उतार दिए इसके, और अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया ताकि कहीं पे डस्ट ना रहे। इसके बाद मैं इसको गोल्डन स्प्रे पेंट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो थीम है ड्राइंग रूम की वो तकरीबन गोल्ड और वाइट से ही बनती है, इसलिए मैंने इसको गोल्डन किया, क्योंकि जो दूसरा टेबल है वो भी गोल्ड और वाइट का ही है। तो अच्छी तरह इसको स्प्रे पेंट करना है। स्प्रे पेंट हमेशा जब भी आप इस्तेमाल करें तो अपने मुंह को अच्छे से ढक लें ताकि स्प्रे की जो स्मेल है वो आपके नाक या मुंह के अंदर ना जाए, और दूर से स्प्रे करें। जब भी स्प्रे करना है आपने दूर से करना है, अगर करीब से करेंगे तो इस तरह की फीलिंग आएगी जैसे ड्रॉप हो रहा होता है पेंट, कहीं डबल डबल सी वो लाइनें पड़ जाएंगी, कहीं गिरता हुआ बहता हुआ जो है वो पेंट बनेगा। तो दूर से जब भी करेंगे तो एक इक्वल सी लेयर बनेगी, बड़ा अच्छा सा पेंट हो जाएगा। इसको मैं पेंट कर लूँगी, पेंट करने के बाद इसको मैं एक अच्छा सा एक लुक दूँगी, जो मेरा दूसरा टेबल है बिल्कुल उससे थोड़ा सा मिलता जुलता इसको हम लुक देंगे। तो ये देखें, दूर से जब मैंने स्प्रे किया तो बड़ी अच्छी एक इवन सी इसकी लेयर बन गई है। ये मैं ड्राई करने के लिए छोड़ूंगी, कुछ देर हम छोड़ेंगे इसको ड्राई होने के लिए। ये ड्राई हो चुका है तो इसको मैं फ़्लिप करूँगी ताकि जहाँ जहाँ से पेंट रह गया है वहाँ पे भी पेंट हो जाए। इसे हम फ्लिप कर लेंगे और साइड की जो सिल्वर लेयर है उसको भी मैं गोल्डन कर दूँगी। ये बाकी प्रोसेस भी मैं कर रही हूँ। याद रखिएगा, जब भी आपने स्प्रे पेंट करना है तो अपना मुँह और नाक ढक के करना है हमेशा। एक दफ़ा मैंने गलती की थी, बंद कमरे में मैं स्प्रे पेंट कर रही थी और बहुत ज़्यादा स्प्रे पेंट मैंने किया और उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे 3-4 दिन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। अच्छा, ये मैं अच्छे से इसको साइड्स की जो वो स्प्रे है वो कर रही हूँ। अच्छा, मेरा स्प्रे पेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो अब मैं दूसरा स्प्रे पेंट लेकर आऊँगी और फिर इसको कम्प्लीट कर लूँगी। तब तक जो है ये यहाँ पर पड़ा रहेगा ताकि बाकी जो है ये पूरा अच्छे से सूख जाए। अच्छा, ये शीट मैंने मंगवाई थी मार्बल शीट दराज से, ये मुझे तकरीबन 400 रुपये विद डिलीवरी पड़ी थी और ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी साइज़ की शीट है। अच्छा, टेबल तो आपने देख ही लिया होगा और साइड पे जो पड़ा हुआ है उसके हम कॉपी करने लगे हैं। तो ये मैंने शीट रग के नीचे रख दी थी ताकि सीधी हो जाए, क्योंकि ये रोल में आई हुई थी। इसके बाद इसको हम टेबल का जो साइज़ है उस साइज़ में मैं कट कर लूँगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आगे मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ। हमेशा नई चीज़ लेने से पहले मैं सोचती हूँ कि मेरे घर में ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं यूटिलाइज़ करके नया कर सकती हूँ। टेबल मेरी नज़रों से गुजरा तो मुझे ख्याल आया कि इसको मैं अपसाइकिल कर लेती हूँ। पेपर को नापने के लिए मैंने साइडों पे ज़ोर ज़ोर से दबाया तो इसका जो पैटर्न है टेबल का राउंड वो बन गया। तो इसे ईजी हो गया मुझे कि मैं मुझे इसको ट्रेस नहीं करना पड़ा। तो मैंने यहीं से इसको दबा दबा के जो है इसका शेप निकाल लिया। यहीं से मैं इसको कट कर दूँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए कि मैं इसको पहले पेंसिल से ट्रेस करूँ उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँ। तो मैंने ऊपर रख के ही कट कर लिया। बड़ा अच्छा सा सर्कल जो है वो कट चुका है, मुझे और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मैं इसको कोई एक्स्ट्रा पीस लगाऊं। मुझे लगा था कि शायद जो मैंने शीट मंगवाई है वो छोटी है, लेकिन नहीं, पूरी आ गई, ये अच्छी बात है। अच्छा जी, अब इसको स्टिक करेंगे। स्टिक करने का जो मरला है वो काफ़ी टाइम मुझे लगा इसको स्टिक करने में, क्योंकि मुझे डाउट था कि बीच में कहीं बबल्स ना आ जाएं, कहीं सिलवट ना पड़ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो मेरी मुशक्कत को जो है वो आप देखें। तब तक इसका फाइनल लुक भी मैं दिखा दूंगी आपको। और ये टेबल की कॉस्ट मुझे तकरीबन पड़ी है 1400 से 1500 रुपये के दरमियान, क्योंकि 1000 रुपये का टेबल था, 350 रुपये का मेरा पेंट आया था और शीट जो है वो 400 रुपये की मुझे पड़ी है। लेकिन इसका मैंने शीट का बिल्कुल हल्का सा ही साइड मैंने इस्तेमाल किया, बाकी जो शीट है वो मुझे और भी चीज़ों में इस्तेमाल मेरी हो जाएगी, तो इसलिए मैं शीट का सिर्फ 100 रुपीस लगा रही हूँ। तो आप इसको मैक्सिमम कर लेंगे, 1500 रुपये में मेरा ये टेबल जो है वो तैयार हो गया है। चलिए जी, बाद में मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। साइड के जो रफ एक्स्ट्रा एजेस थे वो फिर मैं इसके कट कर रही हूँ। ये हमारा टेबल जो है वो तैयार हो चुका है, ये इसकी फाइनल लुक है। इसके ऊपर डेकोरेशन अभी आएगा, फ़िलहाल मैंने फॉर द टाइम बीइंग इसके ऊपर एक वैनिटी ट्रे रख दी है और मेरा एक पर्ल्स का हार था वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। लाइट थोड़ी कम है इसके लिए माजरत।
और ये वो टेबल है जो हमें मिला है 10,000 रुपये का, तो हमने इसको मैच करने के लिए दूसरे टेबल को किया है क्योंकि वो बिल्कुल ही पुराने ज़माने का टेबल था। तो ये जी हमारा टेबल 1500 रुपये में अपसाइकिल हो गया है मॉडर्न डिज़ाइन में। अल्लाह हाफिज़।